Hello guys, welcome back to another video of MIT in Global Beta. In this video, we will talk about the MIT in Global Beta update, latest update. The first Global Beta update of January, which is MIT in Global Beta 9.1.3. So let's get started. Finally, दोस्तों MIT की जो Global Beta ROM की अपडेट है 9.1.3 जो जनवरी में दोस्तों हम लोग को इस वीक की जो है जनवरी की जो है हम लोग की पहली अपडेट जो है Global Beta में देखने को मिलने वाली है, तो उसकी जो है ऑप्टिमाइज़ एंड अनबग फिक्सिंग वाली जो है चेंज लोग हम लोग को देखने को मिल गई है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ हाईलाइट्स को फीचर्स, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ वेदर की जो एप्लीकेशन है, तो वेदर की जो एप्लीकेशन है दोस्तों हम लोग को ये एप्लीकेशन जो है सभी डिवाइस में जो है स्टॉप हो जा रही थी। तो अगर हम लोग वेदर वाली एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद दोस्तों जो हम लोग की एप्लीकेशन जो है ये जो है बार बार स्टॉप कर जा रही थी। तो दोस्तों इस अपडेट में इसे फिक्स कर दिया जाएगा 9.1.3। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 9.1.3 जो अपडेट हम लोग को देखने को मिलने वाली है उस दोस्तों सिर्फ हम लोग क्लोज बीटा में देखने को मिलेगी। तो पब्लिक बीटा के लिए दोस्तों इसे ऑलरेडी जो है शेड्यूल कर दिया गया, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग मेरी इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग 9.1.3 की जो अपडेट देखने को मिलेगी वो सिर्फ क्लोज बीटा को देखने को मिलेगी, और पब्लिक बीटा जो है इस वीक जो है हम लोग अपडेट नहीं मिलेगी, नेक्स्ट वीक से अपडेट मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर हम लोग कुछ बग्स वगैरह देखने को मिलती है तो हम लोग को फ़ोन में जो है पब्लिक बीटा भी देखने को मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है, मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों हॉलीडे होने के बावजूद भी शाओमी हम लोग को जो है स्टेबल लॉ में अपडेट दे चुका है रेडमी नोट 5 प्रो की डिवाइस में, और भी दूसरे डिवाइसेस में दोस्तों जो मी सीरीज की डिवाइसेस है उसमें भी दोस्तों हम लोग अपडेट जो है देखने को मिल चुकी है। तो हॉलीडे होने के बावजूद दोस्तों हम लोग जब स्टेबल में अपडेट मिल सकती है तो मे भी दोस्तों हम लोग को ग्लोबल बीटा में भी अपडेट देखने को मिल सकती है। कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर आप लोगों को डिवाइस में अपडेट मिलती है आप लोग इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं तो सेटिंग वाली एप्लीकेशन जो है दोस्तों हम लोग की बार बार स्टॉप हो जा रही थी। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर जब हम लोग क्लिक करते थे तो हम लोग की सेटिंग वाली जो एप्लीकेशन है ये जो हम लोग की फर्स्ट क्लोज हो जा रही थी, स्टॉप हो जा रही थी। तो जैसे कि दोस्तों बताई जा रही है कि जो प्रॉब्लम थी हम लोग को सभी डिवाइस में देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों मुझे देखने को नहीं मिली थी। अगर आप लोगों को देखने को मिली होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिली होगी तो ये इस अपडेट में इसे फिक्स कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ नए बग्स हम लोग को इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी हमेशा की तरह। उसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन स्टेटस बार में कुछ बग फिक्सेस की गई है, तो आप लोग व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को ठीक से कैसे देखने को नहीं मिल रही थी अगर आप लोग नॉच वाली डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं या फिर बगैर नॉच वाली डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। तो रेडमी 6 प्रो में दोस्तों हम लोग ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। रेडमी 6 प्रो में दोस्तों आप लोगों की जो है व्हाट्सएप स्टेटस नॉट फिटेड परफेक्टली बोथ इन नॉच एंड विदाउट नॉच, तो व्हाट्सएप की स्टेटस जो हम लोग को दोस्तों हम लोग जो है इस नॉच में ठीक तरीके से फिट नहीं हो रही थी, तो दोस्तों उसे इस अपडेट में जो है फिक्स किया गया है Redmi 6 Pro की डिवाइस में। तो अगर आप लोग Redmi 6 Pro की डिवाइस यूज़ करते हैं और आप लोगों को इस अपडेट के बाद अगर ये नॉच वाली जो प्रॉब्लम है जो देखने को मिली थी ये फिक्स कर दी जाएगी दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और दोस्तों Redmi 5 की डिवाइस में हम लोग की जो स्टेटस आइकॉन जो देखने को मिलती थी, तो अगर हम लोग अपने लॉक स्क्रीन पर जब अपने स्टेटस को चेक करते थे और जब अपने होम स्क्रीन पर स्टेटस को चेक करते थे दोनों टाइम में दोस्तों हम लोग को डिफरेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलती थी। तो ये दोस्तों सिर्फ Redmi 5 की डिवाइस में हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिली थी, तो अगर आप लोग Redmi 5 की यूजर्स हैं और आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी या फिर दोस्तों मिल रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और दोस्तों इस अपडेट को हम लोग और इस बग्स को हम लोग इस अपडेट में फिक्स कर दी जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ बग फिक्सेस हम लोग को 9.1.3 की अपडेट में Xiaomi जो है करने वाली है। तो जैसा कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग सिर्फ बीटा टेस्टर को ही अपडेट देखने को मिलेगी, क्लोज बीटा यूजर्स को ही अपडेट देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा उम्मीद तो हम लोग लगा सकते नहीं है कि हम लोग ओपन बीटा में अगर देखने को मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही लिंक मेरे पास अवेलेबल होती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहे, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और सब्सक्राइब बटन वाले बटन को प्रेस करके, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल सुझाव रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना अपना सवाल। दैट्स इट इन दिस वीडियो, वी विल मीट यू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ ओनली टॉक। Till then, keep watching, like and share, and please subscribe and press the notification bell.